तो मैं आज बना रही हूँ मूंग के छीले। ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा हो गया मेरा मूंग का छीला। क्या बात है? ठीक है। हाँ थोड़ा सा मोटा हो गया क्योंकि लाइट थी नहीं, और मूंग को मैंने इन्वर्टर पे पीसा, तो जल्दी इन्वर्टर पे पीसने से ना थोड़ा सा लाइट अप डाउन होती है, तो मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा मोटा ही पीस ली थी। तो कोई नहीं, टेस्टी लगेगा। और यहाँ मेरी मूंगफली की चटनी है, तो आधा ही मैंने घोला है, थोड़ा सा मैं रहने दी हूँ, बाद में बंसु को खिलाऊंगी, क्योंकि बंसु अभी खा रहा है मीठा वाला छीला। और बंसु कर रहा है पढ़ाई, मैंने बोला इसको बेटा पढ़ाई कर लो, तो ये पढ़ाई कर रहा है। क्या लिख रहा है वंशु? तो ये लिख रहा है आ से अनार, आ से आम। और इसको ये आ जाता है, ये बिना देखे लिख लेता है, और यहाँ इसके मीठे हैं। क्या हुआ? ये कासे कबूतर खासे खरगोश, ये लिखना है। पहले आप इसके लकीर भी नहीं खींचे, इसमें भी लकीर नहीं खींचा, इसमें भी लकीर नहीं खींचा तुम। खासी ऐसे अंगूर में भी नहीं खींचा तुम। तो इसको आता है बिना देखे, ये लिख लेता है अंगा तक। हाँ तो कैसे कबूतर लिखो, ये देखो कैसे कबूतर खासे खरगोश। तो मेरा छीला जल जाएगा। बंसु खाते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है? लिखो कैसे गमला लिखो। हाँ तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ छीला। क्या हुआ? ठीक है, अंगा लिखो। हाँ तो अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना है मुझे, मैं जाऊँगी हॉस्पिटल देखने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कहीं और मैं डिलीवरी कराने के लिए, मैं बताऊँगी आगे रीजन क्या है। तो मुझे कहीं और डिलीवरी कराना था, तो मैं वही हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ, कैसा हॉस्पिटल है क्या है। तो मेरा तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं वहाँ डिलीवरी कराऊँ, क्योंकि मैं जहाँ चेकअप के लिए जाती हूँ मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। लकीर नहीं खींचा? तो मैं अभी नाश्ता करके जाऊंगी डॉक्टर के, मतलब हॉस्पिटल देखने के लिए, कैसा हॉस्पिटल है, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, और क्या क्या सुविधा है, तो वही देखने जाऊंगी मैं। थोड़ा एक छीला डाल लूँ पहले, फिर बातें। छीले ना बहुत फायदा करता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है, प्रेगनेंसी में भी, ऐसे भी, हर तरह से फायदा करता है। मेरा बेटा भी खा लेता है, लेकिन उसका मीठा वाला घोरा हुआ था, तो मैंने उसको मीठा बना के दे दी हूँ, बाकी रखा हुआ है, उसको बाद में मैं रात को या शाम को उसको बना के दे दूंगी। तो मैं हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो इंश्योरेंस है, तो जहाँ मैं चेकअप कराती हूँ वो वहाँ वो इंश्योरेंस हट गया है, कुछ और आ गया है। तो हाँ ठीक है, तो वो हट गया है, तो जहाँ, हाँ बेटा सही है, जहाँ मैं हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ वहाँ इंश्योरेंस है हमारा वहाँ का, तो हाँ मेरा फ्री में डिलीवरी होगी। तो पहले बंसू जहाँ हुआ था वहाँ भी मेरा फ्री में डिलीवरी हुआ था, क्योंकि इनके ऑफिस की तरफ से हम सबका मेडिकल इंश्योरेंस बना रहता है। तो जहाँ बंसू हुआ था वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ना ज़्यादा भीड़ भराका कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी ही रहती है वहाँ। और वहाँ का सुविधा बहुत अच्छा लगा था मुझे, जब बंसु था तो बहुत सुविधा थी। अगर आप 5 आदमी भी वहाँ ठहरे होगे ना, तो वहाँ बहुत व्यवस्था रहती है, पर्सनल रूम रहता है, सोफा पलंग, मतलब सोफा रहती है, अलमारी रहता है, अलमारी में पूरे कपड़े भरे रहते हैं। अगर 5 लोग भी ठहरे होगे तो 5 लोगों का कपड़ा उसमें, मतलब बिस्तर तकिया कंबल सारा रहता है अलमारी में, टीवी भी रहती है, एसी भी रहता है, पर्सनल बाथरूम रहता है, खाना भी बहुत अच्छा था,
कपड़े भी वही रोज मिलते हैं, कपड़े घर से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मुझे उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी थी। अभी तक मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं कहीं और कराऊँ। मैं इसको बोल इनको बोल रही हूँ कि मैं यही कराऊँगी। तो वही मैं दूसरा हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ, अगर वो हॉस्पिटल अच्छा रहेगा तो वहाँ करा लूँगी, नहीं तो फिर मैं यही कराऊँगी। तो ये बस डिनर करके मैं जाऊँगी। आज इसके पापा का छुट्टी है, आज छुट्टी ले रखे हैं एक दिन का। तो मैं सोची चलो हॉस्पिटल देख के आ जाती हूँ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं बाद में करती हूँ। तो ये देखिए, ये हॉस्पिटल का जो रोड है, ये इसी रोड में है हॉस्पिटल। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने भीड़ भरा के हैं, मतलब ट्रैफिक भी बहुत जाम रहती है और दुकान ही दुकान है। और जहाँ मैं चेकअप कराती हूँ उधर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता, एकदम सुनसान शांति सा रहता है। और सेक्टर एरिया टाइप साइड है वो हॉस्पिटल। तो मैं बस पहुंचने वाला है, तो मैं आपको दिखा रही थी। देखो ये सब फ्रूट मंडी है यहाँ धरती, इधर ज़्यादातर फ्रूट वगैरह मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं इधर फ्रूट। तो ये देखिए, मैं पहुंच गई हॉस्पिटल। और दोनों का मतलब जो जगह है ना, दोनों बराबर ही है। और मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गई क्योंकि इतने भीड़ थे ना। ये देखिए, हॉस्पिटल में पहुँच गई, फिर हॉस्पिटल में जा अंदर गई नहीं, मुझे अंदर जाने नहीं दिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। और वो हॉस्पिटल सब चीज़ का था, सारे मरीज कुछ भी मतलब सारे चीज़ के डॉक्टर थे। तो मुझे पसंद नहीं आया हॉस्पिटल, ना इसके पापा को पसंद आया। फैसिलिटी वगैरह सब सही थी, लेकिन बहुत कंजेस्टेड एरिया था। मतलब मैं जहाँ दिखाती हूँ वहाँ फैल फैल सा लगता है। और ये ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक ही नज़र में मैं बाहर ही रही, मैं अंदर गई नहीं, इसलिए वीडियो बनाई नहीं। तो वहाँ पास मॉल थे, तो मैं मॉल में ना ये बच्चों के स्वेटर देख रही थी, बहुत ही सुंदर सुंदर स्वेटर थे। मैं इसलिए इसकी वीडियो बना रही ना, बाद में ऐसी सेम सेम स्वेटर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी बाबू के लिए। तो मैं यही स्वेटर देख रही थी, और बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर थे बच्चों के, लेकिन बिना डिलीवरी हुए आप बच्चों के कपड़े नहीं ले सकते, तो इसीलिए मैं नहीं ली थी। लेकिन बंसु बहुत जिद कर रहा था, एक उसने एक टी शर्ट देख लिया था और वो बोल रहा था मैं लूँगा ये बाबू के लिए लूँगा। बहुत मुश्किल से मैंने उसे मनाया कि नहीं बाबू रहन दो रहन दो, तब जाके वो माना है। तो मैं मॉल आई थी, थोड़ा सा मुझे कुछ सामान लेना था, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लेना था मुझे, क्योंकि मेरी डिलीवरी होगी तो कोई खाना बनाने वाला रहेगा नहीं, तो जैसे बच्चे लोग या इनको ही कुछ भूख लगेगी तो दूध में डाल के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेंगे। तो मैं वही कॉर्नफ्लेक्स देख रही थी। तो इधर बंसु जब भी आता है खूब सारा चॉकलेट ये लेके जाता है, और ये किंडर जॉइन खोज रहा था, इसको किंडर जॉइन मिल नहीं रहा था। तो ये ना बहुत सारा चॉकलेट हमेशा भर लेता है, मैं हमेशा सारा चॉकलेट रख देती हूँ, एक दो चॉकलेट लेती हूँ। तो आज भी ऐसी खूब सारा चॉकलेट ले लिया था। तो ये वहीं पास का मॉल है, यहाँ सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो इधर बर्तन वगैरह थे, बहुत महंगे रहते हैं यहाँ का सामान ना, मुझे बहुत महंगा लगता है। सिर्फ ग्रोसरी का ही सामान मुझे सही लगता है, बाकी सारा चीज़ महंगे रहते हैं। कपड़े और ग्रोसरी के सामान सही रहते हैं। तो ये देखिए, इसने अपना चूज़ कर लिया है, अभी ये इसका भी और है, अभी और धीरे धीरे ये सारा उठा लेगा। तो मैं बर्तन देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत लेने का मन करता है। और ये क्या था मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ की है, क्योंकि इसमें ना बहुत छोटे छोटे से थे, इसमें क्या बनेगी इतनी छोटी में, तो मुझे समझ नहीं आई थी क्या चीज़ की है ये, मैं वही देख रही थी। और वंशु अपना मस्त हो जाता है मॉल आके, ये बहुत इसको मज़ा आती है। तो अब मैं डिलीवरी वहीं कराऊंगी जहां मैं चेकअप कराती हूं, तो मैं वहीं डिलीवरी कराऊंगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल पता नहीं मुझे मतलब बाहर देख के ही मुझे बहुत डर सी लगने लग गई। वो हॉस्पिटल देख के ऐसे व्हील चेयर पड़े हुए हैं, इधर से इधर लोग भाग रहे हैं, और बहुत भीड़ भड़ाका थी, तो डर सी लगती है। और ये देखिए पेंसिल बॉक्स, बहुत ही अच्छा पेंसिल बॉक्स था, म्यूजिक वाला था, इसके अंदर सेल डालने की थी, पर मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी थी तो खोल नहीं रही थी। और ये देखो, ये थोड़ी पुरानी थी, मैं बोली वंशु पुराना है, तो वंशु बोलता है मम्मा फ्री का है ले लो ले लो। तो जब वंशु स्कूल जाएगा ना, तो मैं उसके लिए ऐसा वाला ज़रूर खरीदूंगी, मुझे बड़ा शौक है वंशु के लिए हर चीज़ खरीदना। तो इधर पे ये पढ़ाई वाले सब चीज़ थे।
तो अब फाइनल हो गया, अब मैं वहीं डिलीवरी कराऊंगी और कहीं नहीं कराऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई आने वाला नहीं है। और बंसु बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, इसको कितना कैद करके रखोगे, इधर से इधर भागेगा, हर चीज़ छुएगा, जाते साथ सीढ़ियों को छूने लग जाता है, टेबल छूने लग जाता है, और कैसे कैसे लोग वहाँ आते हैं, इसीलिए मैं वहीं कराऊंगी। तो मेरी मॉल की शॉपिंग हो गई, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।